हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडवोकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एक और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशंस ओपन हो गए हैं सीयूईटी पीजी 2023 एग्जाम के बाद। और जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात करने वाला हूं, उस यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा। जिन लोगों के कम मार्क्स आए हैं, कम मार्क्स का मतलब 150 के नीचे जिनके मार्क्स हैं या 120 के भी नीचे जिनके मार्क्स हैं, तो वो बच्चे यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की, क्या एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, कौन कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं, सब बातें हम जानेंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखो भाई, तो सबसे पहले तो ये जो फॉर्म्स हैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के, इनकी जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है, 7 अगस्त से ये फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं और 20 अगस्त तक ये फॉर्म फिल किए जाने हैं ना। 7th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होकर 20 अगस्त तक ये फॉर्म फिल किए जाने हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू MPED मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन नीड टू गो फॉर अ फिजिकल फिटनेस टेस्ट ऑन 27th अगस्त 2023 संडे इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन of Tripura University and merit list of the selected candidate in MPED program will be displayed on 28th August. तो ये special instruction है इसके लिए जो MPED के लिए apply कर रहा है उसके लिए। If a student doesn't report to the respective department for physical verification of the original documents within 50 days from the date of admission, his और her candidature stand cancelled। अब यहाँ पर साफ मेंशन है कि जब भी पहली लिस्ट आएगी, आपका सिलेक्शन होता है, आप फी पे करते हैं, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है। अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 7 अगस्त शाम 5 बजे से। पोर्टल कब क्लोज होगा? 20 अगस्त शाम 5 बजे। पहली मेरिट लिस्ट जो आएगी वो आएगी 23 अगस्त को शाम 5 बजे आएगी। सारे काम शाम 5 बजे हो रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन जो चलेगा, जिसमें आपको फीस सबमिट करनी है। एडमिशन पोर्टल ओपन फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ये 24 अगस्त से 27 अगस्त शाम 5 बजे तक ये पोर्टल ओपन रहेगा फीस सबमिट करने के लिए। इसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन चलेगा, सेकेंड डिस्प्ले मेरिट लिस्ट का डिस्प्ले होगा 28 अगस्त को। इसके अगेंस्ट फी पे करनी है 31 अगस्त शाम 5 बजे तक। 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और थर्ड काउंसलिंग भी सेम टाइम पर चलती रहेगी, जो कि थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी 1 सितंबर को शाम 5 बजे। उसके अगेंस्ट फी पे करनी है 3 सितंबर तक शाम 5 बजे तक। ठीक है, कोई भी अगर वैकेंट सीट रह जाती है किसी भी राउंड में तो उसका यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट करती रहेगी। अगर फिर भी कोई सीट वैकेंट रह जाती है थर्ड राउंड के बाद भी, तो उसमें नॉन CUET जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको भी आगे पार्टिसिपेट कराया जाएगा सीटें फिल करने के लिए। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा। कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पर वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइक एक एक कोर्स की अगर हम बात करते चलें। BEd मिल जाएगा आपको। BEd के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 55, 50 प्लस 5, 5 सीट्स EWS की है। MCOM के अंदर 82, 74 प्लस 8, इकोनॉमिक्स के अंदर 45 प्लस 5, उसके बाद MBA फिनेंस एंड टैक्सेशन, इनके आगे नंबर ऑफ सीट्स लिखी हुई है इनकी। एडुकेशन, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ट्राइबल एंड एथनिक स्टडीज, रूरल स्टडीज, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशन, कुल मिला के अगर देखें हम टोटल नंबर ऑफ कोर्स यहाँ पर जो अवेलेबल हैं, ये टोटल नंबर ऑफ कोर्स 47 टोटल नंबर ऑफ कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। लगभग सारे ही कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जिन भी बच्चों के लो मार्क्स हैं CUET PG के अंदर, तो वो यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, ओडिशा के बच्चे,
और जो बिहार का जो एरिया टच करता हुआ है नॉर्थ ईस्ट को, या यूपी का जो एरिया टच करता हुआ है, वहाँ के बच्चे यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो। इट इज़ ऑल अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा PG रजिस्ट्रेशंस। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और एक अपडेट के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।